नाजरीन करम, लौंग का तेल दांतों पर लगाने से दांत सफेद और चमकदार होना शुरू हो जाते हैं। यूरिक एसिड का मसला हो तो दरमियानी साइज की मूली पर लीमू छिड़क लें और नमक डालकर निहार मुंह खा लें। नाजरीन करम, नियाज़बोग के पत्ते की चटनी बना लें, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च शामिल करें और इस चटनी को रोजाना खाने के साथ खाने का मामूल बना लें। यूरिक एसिड का मसला हल हो जाएगा। नाजरीन करम, जिस्म पर चंबल होने लगे तो 3 चम्मच दही के पानी में 2 चम्मच राई डालकर इतना रगड़ें कि मरहम बन जाए। इस मरहम को सुबह शाम 3 दिन लगाएं। पुदीने की पत्तियां लेकर उन्हें उबालकर उनका पानी ठंडा करके निहार मुंह इस्तेमाल करें, इससे रंग साफ होता है। नाजरीन करम, पुदीने की चटनी हाजमे के लिए बेहतरीन होती है। थोड़ा सा पुदीना लेकर उसमें कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक मिलाकर ग्राइंड कर लें और काला नमक डालकर पी लें, मैदा दुरुस्त होगा। नाजरीन करम, धनिया जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद होता है और ये टाइफाइड में भी मुयस्सर होता है। दिल की बीमारियों के लिए हरी प्याज बहुत मुफीद है। इसके 6 पीस बनाकर लीमू के चंद कतरे डालकर खाएं। इसके इस्तेमाल से आंखें ठीक रहती हैं और मैदे की गर्मी भी खत्म होती है। नाजरीन करम, बंद गोभी को सलाद में इस्तेमाल करें क्योंकि इससे वजन ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा केले वो शख्स न खाए जो बलगम का मरीज हो। नाजरीन करम, अल्लाह का जो मुबारक नाम अल मुताली जो जिसका मतलब है बुलंदो बरतर, ये वजीफा बराए हल मुश्किलात तो दफ़ा शरे दुश्मन का है। इसके फवायद असरात ये हैं। इस वजीफा को पढ़ने से दुश्मन अपने मंसूबे में नाकाम हो जाता है, उसका शर दफा हो जाता है, रोजमर्रा की मुश्किलात आसान हो जाती हैं। बिलखसूस अगर कोई खातून अयाम महवारी में पढ़े तो उन अयाम की आफतों से महफूज रहेगी। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर इसका विर्द 100 मरतबा रोजाना करें। नजरिन करम, ज्यादा केले खाने से कमजोर हाजमा वाले अफराद को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। आम इंसानी दिमाग के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि ये याददाश्त को अच्छा करता है। नजरिन करम, आड़ू जिस्म में मौजूद जहरीले मादों को खत्म करता है। आड़ू का जूस बनाकर पीने से जिस्म में खून की रवानी बेहतर होती है। नजरिन करम, हाफ बॉयल अंडे की जर्दी खून पैदा करती है और ये खाने से जिस्म की कमजोरी दूर होती है। लोबिया के दाने पीसकर चेहरे पर लेप करने से रंगत निखर जाती है। करेले की सब्जी पकाकर खाने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। ये इंसान की कुव्वत को बढ़ाता है और कुव्वत हाजमा को ठीक करता है। नजरिन करम, लसूड़ा खाने से कब्ज दूर होती है। ये पेशाब की जलन को भी दूर करता है। पुरानी खांसी और खुश खांसी भी खत्म हो जाती है। नजरिन करम, दारचीनी मुंह की बदबू को दूर करती है। इसके अलावा शदीद खांसी में भी बहुत मुफीद है। तेज पत्ते की चाय हाजमे को दुरुस्त करती है। तेज पत्ते को अगर चाय में इस्तेमाल किया जाए तो तेजाबियत और पेट दर्द खत्म हो जाता है। नजरिन करम, अगर नजला जुकाम न जाता हो तो तेज पत्ते वाली चाय पकाकर उसमें थोड़ा सा जौहर जोशांदा डालकर पी लें। नजरिन करम, अल्लाह का मुबारक नाम अल बर्रो जिसका मतलब है अच्छाई और भलाई फरमाने वाला, औलाद की फर्मा बरदारी और नेक तरबियत का ये वजीफा है। इस इस्म पाक के वजीफा की बरकत से नाफरमान औलाद वालदैन की मतीयो फर्मा बरदार हो जाती है, नीज आम लोगों के साथ भी इखलाके हुस्ना के साथ पेश आती है। खुशकी और तरी के रास्तों पर सफर करने वाले इसको पढ़ें तो वो भी अमनो सलामती के साथ मंजिले मकसूद तक पहुंच जाएंगे। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर इसका विर्द 100 मरतबा रोजाना करें। इस वजीफा को हस्बे जरूरत 11 दिन, 40 दिन या इससे भी ज्यादा अरसा के लिए जारी रख सकते हैं। नजरिन करम, लहसुन का इस्तेमाल मुसलसल करने से गुर्दों की बीमारी दूर होती है। लहसुन पेट के पट्ठों में सुकड़न पैदा करता है। लहसुन खाने से आंतों को कम काम करना पड़ता है और इसका एक दाना चबा लेने से मुंह की गंदी बदबू खत्म हो जाती है।
खाना खाने के बाद रोजाना 3 मर्तबा लहसुन खाने से पेट साफ रहता है। नजरन करम, सीने में दर्द हो तो सौंफ को पानी में जोश देकर पी लें। नजरन करम, चेहरी जिस्म के लिए बहुत फायदा मंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल मुसलसल करें तो आपकी जहनी सलाहियतों में इजाफा होगा। अनार खाने से जिगर की इस्लाह होती है। गाजर खाएं और उसका जूस पिया करें, रंग गाजर जैसा सुर्ख हो जाएगा। मछली के बहुत से फायदे हैं, इसको हफ्ते में 2 बार जरूर खाना चाहिए। नजरन करम, केला खाने के फौरन बाद पानी न पिएं, इससे बलगम पैदा होता है। चाय का ज्यादा इस्तेमाल हड्डियों को कमजोर कर देता है और कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल मैदे को कमजोर कर देता है। गाजर का रस रोजाना पीने से मसूड़ों और दांतों की बीमारियां नहीं होती और इससे दांतों की जड़ें मजबूत होती हैं। खूबसूरत बनना है तो नाश्ते में नीम गर्म दूध पिया करो। नजरन करम, खूबसूरती का राज रोजाना सुबह निहार में 2 सेब खाने में छुपा है। मूंगफली में प्रोटीन होती है और ये जिस्म की सेहत के लिए फायदेमंद होती है। नजरन करम, टमाटर में फौलाद और नमकियात वाफिर मकदार में पाई जाती हैं। टमाटर ज्यादा खाने से गाल लाल होते हैं। नजरन करम, अल्लाह का मुबारक नाम अत्तवाबु, जिसके मतलब है ज्यादा तोबा कबूल करने वाला। ये वजीफा बराए इस्लाह अहवाल नफ्स व अज़ाला ज़ुल्म का है। इसके पढ़ने से नफ्स मती व फरमाबरदार हो जाता है। गुनाह पर निदामत और तोबा की तौफीक मिल जाती है और दुनियावी कामों में आसानी पैदा होती है। नीज जालिम के जुल्म से निजात मिल जाती है। अव्वल व आखिर 11-11 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़कर इसका विर्द 100 मर्तबा रोजाना करें। इस वजीफा को हस्ब जरूरत 11 दिन, 40 दिन या इससे भी ज्यादा अरसा के लिए जारी रख सकते हैं। नजरन करम, एलोवेरा जेल 3 खाने के चम्मच शहद के साथ इस्तेमाल करने से पेट कम होता है। अनार का रस पेट की चर्बी कम करने में मददगार होता है और इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। नजरन करम, हाथ पांव सो जाते हों या सुन हो जाते हों तो अपने सर को दाएं से बाएं घुमाना शुरू कर दें। चंद सेकंड के अंदर अंदर हाथ या पांव नींद से बेदार हो जाएंगे। शलजम को काटकर नमक और काली मिर्च छिड़क दें, फिर लेमन जूस डालकर नाश्ते में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह वजन कम होगा। अगर पांव में दर्द रहता हो तो रोजाना पांव की अंगूठों पर सरसों के तेल से मसाज कर लिया करें, दर्द गायब हो जाएगा। नजरन करम, खरबूजा खाने से वजन में इजाफा और जिस्म की बेहतर नशोनुमा होती है। नजरन करम, अलसी एक ऐसा पौधा है जो कि सेहत के लिए बहुत फायदा मंद है। इसके रोजाना 2 बीज खाने से कैंसर और दिल की बीमारी नहीं होती और न तो जोड़ों का दर्द रहता है न ही मोटापा रहता है। नजरन करम, ये जो टोटके आपको बताए गए हैं इनको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ये तमाम टोटके हकीम लुकमान के नहीं हैं, मुख्तलिफ जगह से इकट्ठे करके आपको बताए गए हैं। डॉक्टर से मशवरा करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको किसी किस्म का कोई नुकसान न हो। उम्मीद है MG प्रोडक्शन की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखें। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया। जजाकल्ला जजाकल्ला।